हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बनाएंगे ठंडाई का मसाला एंड ठंडाई। तो मिलते हैं एक इंट्रोडक्शन के बाद। होली हो और ठंडाई ना बने, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पैन गरम कर लेंगे और उसमें हम लोग डालेंगे थोड़े से काजू, पिस्ता, थोड़े से मखाना, बादाम और इन्हें हल्की फ्लेम पे ही हम लोग ड्राई रोस्ट करेंगे। अच्छा, पैन को हम लोग थोड़ा पहले ही गर्म कर लेंगे क्योंकि हम लोगों को जो भी हम लोग ड्राई फ्रूट्स यूज़ करेंगे उनकी सिर्फ एक नमी निकालनी है। हमें ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ब्राउन करने हैं या बहुत ज़्यादा रोस्ट करने हैं। अब इसमें हम लोग 10-12 काली मिर्ची डाल देंगे और 1 इंच के करीब हम लोग इसमें दालचीनी यूज़ करेंगे। दो चम्मच हम लोग खसखस डालेंगे। दो चम्मच मीठी सौंफ। थोड़े से हम लोग मगज़ डालेंगे। आप कोई भी डाल सकते हैं, तरबूज के या खरबूजे के। और इसे धीमी आंच पे ही हम लोग ड्राई रोस्ट करेंगे। एक पिंच इसमें हम लोग केसर डालेंगे। दस से बारह छोटी इलायची। बस हल्की सी नमी इसकी जो है हमें दूर करनी है, बहुत ज़्यादा हमें रोस्ट नहीं करना है। और लगातार आप हिलाते रहिएगा, नहीं तो क्या होगा कि ये ड्राई फ्रूट्स या खसखस के दाने नीचे जो हैं जल सकते हैं। ऑलमोस्ट हमारे जो है हो चुके हैं रोस्ट। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसे ठंडा करके बिल्कुल तभी हम लोग ग्राइंड करेंगे। सारे ड्राई फ्रूट्स हमारे जो है ठंडे हो चुके हैं। अब इसे एक मिक्सर जार में डाल के ग्राइंड कर लेते हैं। ग्राइंड करते हुए हमें एकदम से नहीं मिक्सी चलानी है, धीरे धीरे पल्स पे ही हम लोगों को इसे ग्राइंड करना है। देखिए, अच्छा एक मसाला बन के तैयार हो चुका है। इसे हम लोग एक एयर टाइट जार में रख लेंगे ताकि बाद में हम लोग आराम से कभी भी 1 महीने तक यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक प्लेट में इसे निकालेंगे क्योंकि जैसे ग्राइंड करते हैं तो थोड़ा हल्का सा गर्म हो जाता है। इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, उसके बाद ही हम लोग इसे जार में ट्रांसफ़र करेंगे। अब कम्प्लीटली ठंडा हो चुका है तो मैं इसे एक एयर टाइट कंटेनर में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। इसमें डाल के आप इसे फ्रिज में 1 महीने तक रख सकते हैं और ये एकदम ऐसे ही फ्रेश रहेगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एंड हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए अब हम लोग ठंडाई बनाते हैं। इसके लिए हम लोग मिक्सी के जार में 1 ग्लास दूध लेंगे। दो चम्मच चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ज़्यादा या कम कर सकते हैं।
दो चम्मच हम लोग जो मसाला बनाया था हमने ठंडाई का वो हम लोग लेंगे। अच्छा, दूध यहाँ पे मैंने ठंडा ही यूज़ किया है। अब इसे मिक्सी में एक दो बार घुमा के हमारी ठंडाई है बिल्कुल रेडी हो चुकी है, रेडी टू सर्व। तो चलिए इसे सर्व करते हैं। थोड़ी सी इसमें हम लोग आइस डाल देंगे। हमारी ठंडाई बन के तैयार हो चुकी है। आप इसे थोड़ा सा गुलाब की पंखुड़ियों से भी गार्निश कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।